एक और मामला चोरी का जो है नई बस्ती इलाके में सामने आया। इस टाइम में जो नई बस्ती के अशोक नगर वेजिटेबल मार्केट फ्रूट सब्जियों की जो मंडी लगती है वहाँ पर एक महिला का जो है पर्स छीन कर मोटरसाइकिल जो है चालक यहाँ से ले गए हैं। ये एक और मामला सामने आया। क्या बात हो गई, मैं आप यहाँ पर आए हुए थे? कुछ नहीं भैया, मैं अपने बेटे के साथ इधर नई बस्ती में पहले की तरह आम जैसे पहले हम लोग घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं, वैसे मतलब पहले की तरह मैं बेटे के साथ शॉपिंग कर रही थी। तो अचानक ही जैसे मैं उधर से थोड़ा दुकान से सामान वगैरह लेकर निकली हूँ, दूसरी दुकान पर जाने लगी हूँ, तो अचानक ही कोई बाइक सवार आए और मेरा पर्स और मेरा फ़ोन छीन कर चले गए हैं। तो मैं काफ़ी चिल्लाई हूँ, काफ़ी आवाज़ें लगाई हैं, पीछे भागी हूँ, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है और ना ही मैं उनको पकड़ पाई। यहाँ पे लोग खड़े थे वो कोई किसी ने इंसानियत नहीं दिखाई भैया, सभी ने माँ भी, मैं खुद भाग रही हूँ, मेरा बेटा पीछे भाग रहा है, किसी में मतलब मुझे इंसानियत नहीं दिखी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। सभी बाइक सवार, सभी गाड़ी वालों से, बाइक वालों से हाथ जोड़ी, उनको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन कोई किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है। और अभी सारे तमाशा देख रहे हैं, सभी मुझे पूछ रहे हैं क्या हुआ, कितने पैसे थे, क्या था, कौन थे, कहाँ गए हैं, किस साइड गए हैं, लेकिन तब मतलब किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी है। आपके पर्स में क्या कैश और कितना सामान था? मेरे पर्स में भैया ATM कार्ड थे, डिपेंडेंट कार्ड थे मेरे आर्मी के, और अभी अभी मैं कैश निकाल कर आई हूँ, वो था सब कुछ मतलब पर्स में था, और फोन भी साथ में लेकर चले गए। तो ये मोटरसाइकिल वाला आता और पर्स खींच के चला। जी हाँ जी, ये मामला सामने आया और ये महिला है, और अभी भी आप देखेंगे सभी लोग आगे पीछे खड़े हैं, खड़े होंगे, लेकिन जब इस महिला को ज़रूरत थी कोई हेल्प के लिए नहीं आया। ये एक यहाँ पर ही इसी जगह पर एक सामने जो है चोरी सामने आई है, और एक मोटरसाइकिल के ऊपर जो है ये चोर निकले हैं। हाँ दसो, लेकिन नंबर नहीं मिल रहा। ये दो लड़कियाँ हेलमेट पहनी हुई। अच्छा, ये हमने एसोसिएशन के जो कैमरे हैं ना, ये मार्केट के कैमरे हैं, मार्केट कैमरा। पहले भी हुई चोरी आपके इधर? ये कोई 15 दिन पहले भी हुई है, 2-3 दिन पहले भी हुई है। बैठे हो वहाँ पे और निकाल रहे हैं फुटेज हमारी। उससे फुटेज में आया पर्स खींच के जा रहे हैं ये लड़के, इधर से आए हैं, इधर से उन्होंने टर्न किया, ये यहाँ से उन्होंने ATM के पास से टर्न किया वापस और इधर से भागे हैं। तो बाकी देख रहे हैं फुटेज हम, शक्ल नहीं आई है, शॉर्ट्स बंद भी है, हेलमेट पहनी हुई है ना, एक ने हेलमेट पहनी हुई है, दूसरे ने कैप पहनी हुई है। एक बार आप दिखाएंगे जरा इनको जो आपके CCTV कैमरा में? नहीं, अगर शॉप से लेनी है, मैं LED लगी वो नहीं, दुकान वो तो लगी मंदिर में, ये बात बाजार में आओ, हम वहीं पे आते हैं। ये मामला है पूरा, इन्होंने CCTV फुटेज भी निकाली है। जो महिला है उनके पर्स में कैश था, उनके ATM कार्ड थे, उनके आधार कार्ड थे और कुछ आर्मी के अपने कार्ड थे, और ये चोरी सामने आई है यहाँ पर। मैं इस टाइम जो ये पूरा इलाका है, ये नई बस्ती का इलाका है, ये यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल की मार्केट लगती है, काफ़ी रश होता है, और जो लोकल लोगों का कहना है यहाँ पर कुछ दिन पहले भी ऐसे ही एक और चोरी सामने आई थी। ये मोटरसाइकिल पे आते हैं दो चोर, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, और जो इन्हीं का कहना है कि पल्सर मोटरसाइकिल था, पर्स महिला का जो है छीन के ले जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपील भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, खास करके जब आप जो मार्केट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है वहाँ पर जब आप जाते हैं, और ख़ास करके जो पर्स वगैरह लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा उसका सावधानी रखें, क्योंकि ये मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पे और स्कूटी पर इस तरह के चोर घूम रहे हैं। नंबर प्लेट इन्होंने छुपाई होती है, नंबर प्लेट टेडी की होती है, हालांकि CCTV फुटेज में आया है, पुलिस अब आगे कार्रवाई करेगी। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो पूरा नई बस्ती बाज़ार के लोग हैं वो भी इस महिला की हेल्प करें, जिनका ये कहना है कि जिस टाइम ये चोरी हुई उनकी किसी ने हेल्प नहीं की। देखते रहें JK मीडिया, ये एक और चोरी का मामला है। ये नई बस्ती जो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है वहाँ से एक महिला का पर्स छीन कर मोटरसाइकिल पर दो लड़के आते हैं और वो यहाँ से जो है उनका पर्स छीन कर चले जाते हैं। ये अभी कुछ देर पहले एक्सचेंज रोड पर मोबाइल चोरी हुआ है और अभी नई बस्ती में ये पर्स चोरी हुआ है। देखते रहें JK मीडिया। ये जो नशा है इसका सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ें, नशा ख़त्म होगा और ये क्राइम भी यहाँ से ख़त्म होगा। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।